हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान दीजिएगा, करेंगे ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी दोनों मिल करके जो है एक पीस ऑफ वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। बी एंड सी दोनों मिलकर के जो है 15 डेज में कर रहे हैं उसी काम को, ठीक है। और सी और ए ये दोनों मिलकर के जो है 20 डेज में उसी पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो बोला है कि हाउ मच पूछा है, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब कि ए अकेले जो है उस काम को यदि करेगा तो कितने टाइम में फिनिश कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है और एक दिन में निकालना है कि ये दोनों मिलकर के एक दिन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है उसको लिख दिया हूं मैं, ठीक है, पहले ही, ताकि टाइम बचे हमारा। अब यहां से यूनिटरी मेथड लगाएंगे और फाइंड करेंगे कि एक दिन में ये ए और बी दोनों मिलकर के कितना करेंगे, तीनों का निकालेंगे अलग अलग। उसके बाद से हम निकालेंगे, हम ये पता करेंगे कि ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद निकल जाएगा ए वाला, ठीक है, ए अकेले जो है कितना वर्क कर रहा है। तो कैसे निकलेगा हम यहां पर आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहां आपको बताएं 12 डेज जो यहां पर दिया हुआ है, 12 डेज आप जो है 12 डेज में जो है क्या कर रहे हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर के जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये बताइए अब वन डे में कितना करेंगे, वन डे में जो है ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम कर लेंगे। तो यहाँ से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, यूनिटी मेथड यही करते हैं ना। और 15 डेज में यदि कौन कर रहे हैं, बी और सी यदि कर रहे हैं कितना में, 15 डेज में, सॉरी वन अमाउंट ऑफ वर्क है ना, यहाँ पर वन अमाउंट ऑफ वर्क यदि कंप्लीट कर ले रहे हैं तो वन डे में कितना करेंगे, वन डे में बी प्लस सी जो है 1/15 अमाउंट करेंगे, है कि नहीं। तो ठीक वैसे सिमिलरली जो है 20 डेज दिया हुआ है, तो 20 डेज में यदि जो है सी और ए मिलकर के कर रहे हैं वन अमाउंट ऑफ वर्क, तो वन डे में कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे सी और ए, 1/20, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर वन डे में सबका निकल गया है कि सी और ए दोनों मिलकर के एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर लेंगे, तो 1/20th पार्ट जो है सी और ए मिलकर कर लेंगे, बी और सी जो है 1/15th पार्ट कर लेंगे, 1/12th पार्ट जो है ए और बी करेंगे। तो इसी बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बीस वन डेज वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/12 होगा, ठीक है, यहीं से बस इसी का इन्वर्स कर देंगे और ए प्लस बी का निकल गया। अब हमें बी प्लस सी का निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा बी प्लस सी वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/15, ठीक है, 15 डेज में हो रहा है बी और सी। तो अब यहां निकल जाएगा सी और ए का भी, सी एंड ए वन डेज वर्क इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/20, ठीक है। तो हमने जो है तीनों का एक दिन का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को यदि ऐड कर देंगे, एक दिन का वर्क निकाल कर यदि तीनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा कि ये जो इनका भी, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए और बी और बी और सी और सी और ए को भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं बाई एडिंग ऑल दीज, मीन्स यहां पर एक लाइन भी खींच सकते हैं और लिख सकते हैं आपकी एडिंग वी गेट क्या मिलेगा। देखिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी में ऐड कर रहे हैं आप बी प्लस सी, ठीक है, इन सबका सबका जो है एक ही दिन में निकाल रहे हैं कितना वर्क कर रहे हैं तीनों मिलकर के, ठीक है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा और ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज वन डेज वर्क, ठीक है, वन डेज वर्क इज इक्वल टू कितना निकलेगा। तो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1/12 में ऐड करना पड़ेगा 1/15 प्लस 1/20। अब यहां पर देखना पड़ेगा एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो फिर 12, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा सिंपली, ओके। तो अब यहां पर 12 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 5 मिलेगा, 12 5 जा होता है, प्लस 15 4 जा 23 जा 60, सॉरी, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 12/60, 12 1 और 12 5 जा 60, तो 1/5 ये आपका हो जाएगा 5।
मीन्स ये पूरा कंप्लीट जो है इन सभी इस पूरे का वन डे का वर्क जो है इतना आ गया। अब यहाँ पे जो मिला हुआ है इसको क्या कर सकते हैं हम, ए और ए दो बार आया है, बी और बी भी दो बार आया है, और सी भी दो बार आया, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सीज वन डेज वर्क इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/5, जो हम लोग यहाँ मिला है वही मिलेगा ना। अब यहाँ से देखिए टू से हम डिवाइड कर सकते हैं, इधर टू से जब आप इधर डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा केवल ए बी और सी का। यहाँ पर जो ट्वाइस दिया हुआ है ना, ट्वाइस देने का मतलब ये है कि ए बी सी ये तीनों मिलकर के एक दिन में उस काम को कितना पार्ट कर रहे हैं, तो 1/5 पार्ट कर रहे हैं। अब यदि हम क्या करेंगे कि एक्सक्यूज मी, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी इज वन डेज वर्क यदि निकालेंगे तो टू से डिवाइड करना होगा बस इधर, ठीक है, मतलब कि बोथ साइड्स में हम टू से डिवाइड करते रहे, तो 1/5 में यदि हम डिवाइड करेंगे टू से तो मिलेगा आपको 1/5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा और डिनोमेटर में मिलेगा 10 मिलेगा, 5 10, ठीक है, तो 1/10 आ गया। मीन्स ये तीनों मिलकर के जो है 1/10 पार्ट जो है आप द वर्क जो है कंप्लीट कर ले रहे हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केवल कि ए अकेले कितने दिन में कितने मतलब कि टाइम में काम कर लेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों का मिला हुआ है ना, तीनों का जो है एक दिन का वर्क यहाँ पे मिल गया है 1/10, इसमें से हमें बी और सी का एक दिन का माइनस कर दें तो मिल जाएगा केवल कि ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ये वाला बी और सी वाला इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा इसमें से, तो हम इसको यदि नेमिंग कर दें इस क्वेश्चन का तो अच्छा रहेगा, ताकि हम बता पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पे इसको हम नेमिंग कर रहे हैं 4th, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 4th, 4th में से सेकेंड को हम सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, बी और सी का एक दिन का वर्क जो है इसमें से घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख ही देता हूँ कि ये जो है वन डेज वर्क है, एक्चुअली वन डेज वर्क, ठीक है। तो यदि हम सेपरेट करेंगे सेकेंड को फोर्थ से तो हमारा मिलेगा ए का एक दिन का वर्क, इट इंप्लाइज आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग मतलब आप लिख दीजिए इसको सही रहेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम, सॉरी फोर्थ को सेपरेट नहीं करना बल्कि सॉरी सेकेंड को सेपरेट करना है फ्रॉम फोर्थ, तो क्या मिलेगा, देखिए अब इसमें से यदि हम सेपरेट कर लेंगे बी प्लस सी को तो बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ए मिलेगा, मींस मिलेगा आपको ए इज वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/10 में से माइनस करना पड़ेगा 1/15, क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो मिलेगा आपको 30, 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 माइनस 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 1/30, ठीक है। अब इसका आप जानते हैं कि एक वन डे का वर्क निकल गया 1/30, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिल जाएगा कि टाइम कितना लगेगा ए के द्वारा टोटल वर्क करने के लिए, और ये कैसे होता है, यूनिटरी मेथड, मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1/30 पार्ट ऑफ द वर्क जो है एक दिन में हो रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा, यही बात है ना। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ एज वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/30, इसका मतलब है कि 1/30 पार्ट ऑफ द वर्क जो है एक दिन में हो जा रहा है ए के द्वारा, इसका मतलब कि बोथ साइड्स में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क मतलब कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क जो है यहाँ पे आ जाएगा 30 डेज में हो जा रहा है, और ये क्या है, 1 डे है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे कर लेना है, तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे, समझेंगे इस तरीके से, लेकिन हम लिखेंगे यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर लिख सकते हैं आपकी हैंस टाइम टेकन बाय
ए अलोन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 30 days. ठीक है, क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया 30 days और यही आपका क्या है आंसर है. तो होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा. और यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, तो शेयर करिए. कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में लिखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय.